हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या वह आज आपको दिल से याद कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सो रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। याद रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, और टैरो कार्ड रीडिंग हम करने वाले हैं। आज कैंडल वैक्स रीडिंग नाइट की नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो आज हमारा टैरो कार्ड रीडिंग होगा और देखेंगे हम आज के इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपको दिल से याद कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, और क्या बताऊं और मैं रिव्यू आई थिंक देना आपको भूल गई थी, है ना। उस टाइम मुझे याद ही नहीं आया, तो अभी मैं जो है ना वो रिव्यू आपको दिखा रही हूँ। क्या है ना कि वीडियो ये करते करते जो है ना मैं भूल जाती हूँ। सो रिव्यू आया है उनका, बहुत ही अच्छा रिव्यू है। सो आप लोग भी देखिए, आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। और जो ब्रेसलेट की बुकिंग करवा रहे हैं लोग, उनको रिजल्ट तो मिल ही रहा है। इसके प्री बुकिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये नवरात्रि के बाद से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ये ब्रेसलेट। ठीक, सो ये ब्रेसलेट की बुकिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रेसलेट यानी कि ये करियर के लिए है, ये आपकी लव लाइफ के लिए है, ये आपके मनी के लिए है। ठीक है, तो इसकी बुकिंग चल रही है, आप चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या वो अभी आज इस वक्त आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं फास्ट रखते हुए भी मैं आप लोग के लिए रीडिंग कर रही हूँ और डेली की तरह, लेकिन फिर भी आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी ब्लेसिंग्स नहीं लेनी है आपको, जिन लोगों को मेरी ब्लेसिंग्स लेनी है, जो लोग करना चाहते हैं खुद का अच्छा, ठीक है, वो खुद के बारे में अच्छा तो सोचेंगे ही। अगर जिन लोगों को खुद का अच्छा नहीं सोचना है, दूसरों का अच्छा नहीं सोचना है, तो उनका खुद भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो आपकी मर्जी है, मैं तो मेरा अपना कर्तव्य जो है मैं आपको दे रही हूँ, पूरा कर रही हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य भी मेरे प्रति बनता है। शायद कुछ लोगों को एहसास नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मैं माँ से दुआ करूंगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी खुशियां उनको मिले। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड। तो मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कई सालों से या कई महीनों से काफी ज्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। आप भी काफी ज्यादा पेशेंस रखे हुए हो कि आप दोनों का मिलन होगा। आप भी काफी ज्यादा याद कर रहे हो अपने पर्सन को। आप इसी एनर्जी में हो कि हाँ, आपके पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, आपके पर्सन से आपकी बात होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करोगे। ठीक, आप ये सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। यही एनर्जी आपकी मुझे नजर आ रही है कि आपकी एनर्जी है कि हाँ, मेरी तो बातें होने वाली है, मेरी जो है ना, मेरी तो मेरे पर्सन से बातें होने वाली है। ठीक, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है, और अपने अंदर पेशेंस रखे हो। आप प्लानिंग भी कर रहे हो कि हाँ, मैं मिलूंगी तो उससे ये बातें होगी, वो बातें होगी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्लानिंग चल रही है। ठीक, यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। ओके, सेलिब्रेशन, ओके, बैलेंस। लॉस का कार्ड है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है एंड थर्ड आई चक्र। चलो कार्ड्स की मैं एनर्जी देखूं, कार्ड्स के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले तो नजर आ रहा है कि आपके पर्सन काफी आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। देख लो यहाँ पे नंबर 3 का कार्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, लॉस का कार्ड है। आपके पर्सन काफी ज्यादा आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत 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 ही ज्यादा। ठीक है,
यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन का दिल टूट चुका है, आपके पर्सन इस तरीके से तकलीफ में है कि ये पर्सन को जो है ना समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। ठीक, यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ है इस पर्सन को, बहुत बहुत बहुत, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में इस पर्सन को देख पा रही हूँ। ये पर्सन जो है ना जैसे कि टूटे हुए से एनर्जी में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, काफी हार्ट ब्रेक हो चुका है इनका, बुरी तरीके से इनका दिल टूटा है, तकलीफ हुई है। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं टाइम स्पेंड करने के बारे में आपके साथ। आपके साथ एक तरीके से देखा जाए तो आपके साथ जो है ना ये पर्सन को इस एनर्जी में रहना है कि हाँ आपकी और आपके पर्सन की दोनों की काफी अच्छी बने। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना मुझे बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को आपके साथ एंजॉय करना है। ठीक है, ये पर्सन को आपके साथ एंजॉय करना है, आपके साथ पार्टी शार्टी मनाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी और के साथ मतलब कि अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन आज जो है ये पर्सन गए थे घूमने, अपने दोस्तों के साथ गए थे घूमने, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन उस एनर्जी में भी आपको याद कर रहे थे, यानी कि अपने दोस्तों के साथ होते हुए भी आपको याद कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत बहुत बहुत, ठीक है, आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। ठीक, यहाँ की एनर्जी ऐसी है और यहाँ दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे कहीं ये गए थे ऐसी जगह जहाँ पे आपसे रिलेटेड कुछ इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक, यहाँ पे बातें जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे बैलेंस करने के बारे में इनकी एनर्जी नजर आ रही है, जैसे कि बैलेंस करना है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है सिचुएशन, बैलेंस करके रखना है। यहाँ पे बैलेंस अगर नहीं बन पाया तो फिर प्रॉब्लम होगी, ऐसा मुझे नजर आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन जो है ना मुझे दिखता है जैसे कि ये पर्सन काफी ज्यादा एक जैसे होता है ना कि हाँ विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो विश मांगी है, ठीक है, ये कहीं घूमने गए थे और वहां से इन्होंने विश मांगी है अपने आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं और इस एनर्जी में भी है कि आपके पर्सन जो है ना एक देखो आपके पर्सन तो सबसे पहले आपके लिए बहुत पॉजिटिव जो है ना विश मांगी है इस पर्सन ने, यानी कि आपका और इनका साथ बन जाए, इस पर्सन ने ऐसा साथ मांगा है आपका। ठीक है, आपका साथ इस पर्सन ने इस तरीके से मांगा, यहाँ पे मांगा है कि ये पर्सन जो है ना समझ रहा है कि हाँ आपका और इनका साथ काफी लॉन्ग जाने वाला है। ठीक, यहाँ पे जो है ना ये पर्सन की इंट्यूशन काफी ज्यादा एक्टिव है, ये पर्सन की इंट्यूशन पावर काफी ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में जल्द ही जो है ये एंटर करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आज 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 आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो चलो सारे कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड कैसे कैसे क्यों क्यों आए हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है गाइस, देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है। सेलिब्रेशन, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई इनका पर्सन है, देखो ये लोगों ने जो है ना आज हो सकता है कि अल्कोहल भी लिया हो। यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है कि हाँ ये लोग आज जो है ना आपकी काफी ज्यादा याद आने के बाद से ये पर्सन जो है ना आज आपके वजह से, मतलब कि आपके वजह से क्या, खुद की वजह से ही इन्होंने जो है ऐसा किया है, मतलब ड्रिंक व्रिंक लिया है इन्होंने, है ना, कुछ नशीली चीजों का सेवन किया है। ये पर्सन जो है ना काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है ना आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का, दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। ठीक, और ये पर्सन अपने अग्रेशन में आकर के आपके साथ कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ भी जो है ना आपको बोल देते हैं या फिर आपके साथ ऐसा कर देते हैं कि आपको खुद शर्मिंदा फील होता है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आज अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो है पार्टी शार्टी जो भी कर रहे थे, ये पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही थी और अभी भी जो है ये पर्सन को बहुत याद आ रही है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिविटी मुझे नजर आ रही है। ठीक, चलो और कार्ड्स देख लेते हैं। बैलेंस, बैलेंस,
बर्डन, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, ठीक है, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर इनके ऊपर स्टडी का बर्डन है, या फिर इनके जॉब का ही बर्डन है, लेकिन इस पर्सन के ऊपर जो है ना काफी ज्यादा बर्डन है, जिसको जो है ये पर्सन जो है ना काफी ज्यादा जो है ना कहते हैं ना कि जैसे बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, उस बर्डन को बैलेंस करना चाहते हैं, बट ये पर्सन जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस हो नहीं पा रहा है इस पर्सन से। तो मुझे यहाँ की एनर्जी मुझे काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना काफी ज्यादा जो है तकलीफ में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा जैसे कि ये पर्सन जो है ना काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल ये पर्सन जो है ना बर्डन में है, परेशान है ये पर्सन। चलो और कार्ड देखते हैं क्या कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इनका दिल टूटा है, तकलीफ हुई है, आपकी याद आ रही है, फिर भी ये पर्सन काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, और ये पर्सन जो है ना बहुत पॉजिटिव रह करके, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रह करके आपके साथ डील करना चाहते हैं, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन जो है ना प्रार्थना कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके साथ बैलेंस तो सबसे पहले इनको बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए बैलेंस तो जरूरी है इस पर्सन की लाइफ में। यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनको बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड देखो, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन इनकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा जो है ना ये तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बातें नहीं हो पा रही है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से बातें नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आप दोनों का जो कनेक्शन है क्लियर दिख रहा है कि हाँ आपके पर्सन आपसे बहुत 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 अटैच हैं, ठीक है, और इसी अटैचमेंट की वजह से आपके जो पर्सन है आपको भुला नहीं पाते हैं, ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर भी देते होगे, लेकिन ये पर्सन जो है ना इग्नोर नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान है, काफी उदास है, बहुत मिस कर रहे हैं अभी इस वक्त आपको, ठीक। थर्ड आई चक्र, प्लीज गाइड कीजिए। ओ, आपके लिए जो है ना ये पर्सन काफी ज्यादा, आई थिंक आप दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है, काफी ज्यादा लड़ते हो एक दूसरे से, हाँ दोनों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम चलती है अपनी लाइफ में, मतलब कि दोनों एक दूसरे को लेकर के काफी ज्यादा पजासी हो, ठीक है। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि हाँ आप इनके पास जाओ, या फिर आप भी नहीं चाहते हो कि किसी और के पास जाए आपके अलावा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई होती है और इतना ज्यादा बर्डन होता है किसी तीसरे की वजह से ही, ठीक, और अभी भी जो है परेशानी चल रही है किसी तीसरे की वजह से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन तो आपको बहुत 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 मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। थंडर बोल्ट देख लो, यहाँ पे थर्ड पार्टी 100% है। अगर आपके रिलेशनशिप में जो है ना ऐसा है थर्ड पार्टी, तो ये रीडिंग आपके लिए है एकदम से। यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन काफी परेशान है, काफी बर्डन में है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इनकी जो परेशानी है ना इनको जकड़ के बैठी हुई है, ठीक है, इनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। बट यहाँ पे फ्यूचर में मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आने चाहिए, यहाँ पे आने वाले हैं चेंजेस, तो आने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये जो सिचुएशन है, अब ये जो साइकिल है, ये फुलफिल यानी कि पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, ठीक। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है एकदम से, यहाँ पे बदलने वाला है आपका और आपके पर्सन का, रियूनियन हो जाएगा। यहाँ कार्ड्स तो बता रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक न्यू बिगनिंग का चांस मुझे नजर आ रहा है। आने वाले कुछ टाइम में आपके और आपके पर्सन का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं ये। देख लो यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं ना रहा ना, बैलेंस अगर नहीं रहा ना, देखो लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन है यहाँ पे,
एकदम से कंफर्म हूं मैं कि थर्ड पर्सन है। और यहाँ पे आपने काफी ज्यादा पेशेंस रखा है, अगेन पेशेंस का कार्ड आया गया है ना। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और वही है कि अगर बैलेंस बिगड़ गया तो समझो रिश्ता खत्म, ठीक है। यानी कि रिश्ता जो है ना इस तरीके से इस कगार पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अब ये रिश्ता कभी टूट सकता है। इस रिश्ते की हाँ ना में कोई डिसीजन नहीं है कि हाँ ये बनेगा ही बनेगा और नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना मैं यही देख पा रही हूँ आपके लिए, यही देख पा रही हूँ आपके रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस रखे हुए हैं पर्सन, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बात करते हैं कि बात करेंगे या नहीं करेंगे, बात करेंगे ये पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है 5 days 5 weeks 5 month में ये पर्सन आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।